students, my name is Farzana Parveen. I am your Urdu teacher. Students, आज हम समर पे की सरगर्मी नंबर 4 सफा नंबर 8 पर करेंगे. इस सरगर्मी में मेन जो उन्वान है उसका वो है इसम सिफ्त. स्टूडेंट्स, इसम सिफ्त वो इसम है जो किसी चीज की खूबी या खामी को बयान करे. जैसे खूबसूरत मंजर, दिलकश नजारा. तो ये नजारा तो एक सीन है लेकिन दिलकश उसकी सिफ्त है. इसी तरह अब इस सरगर्मी नंबर 4 के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं. इसमें दिया है सवाल, दर्ज ज़ैल जुमले दुरुस्त इसम सिफ्त लिख कर मुकम्मल कीजिए. इसमें आपको यहाँ पर इसम सिफ्त दिए गए हैं. ये है मजेदार, सख्त, कीमती, खूबसूरत, ठंडा, गरम, जहीन, नया. आपने इन इसम सिफ्त को जुमलों में इस्तेमाल करना है. मैंने यहाँ पर दो जुमले लिखे हैं. इसमें पहला जुमला है पानी बहुत डैश है. तो इसमें हमने देखना है कि इसमें कौन सी सिफ्त इस्तेमाल होगी. इसमें क्या पानी खूबसूरत है, नहीं, ठंडा है या गर्म. तो आपने देखना है कि इसमें क्या सही लफ्ज इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी आप लिखते हैं यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है, या यहाँ पर लिखते हैं कि पानी बहुत गर्म है, तो वो गर्म आपका कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा हो जहां पर उसकी ज्यादा जरूरत है. उस जुमले को लगाने से, उस लफ्ज को सिफ्त को लगाने से वो जुमला मुकम्मल हो जाएगा. तो आप हम देखते हैं कि अगला जुमला क्या है. सर्दियों में डैश कपड़े पहने जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या हम सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते या ठंडा कपड़ा पहनते, ऐसा है, नहीं. तो स्टूडेंट्स, हमने अब सोच देख लिया कि पानी बहुत गर्म है, नहीं आएगा. इसमें इसम सिर्फ कौन सी लगेगी, ठंडा. पानी बहुत ठंडा है. इसमें हम लिखेंगे ठंडा. अगला है जुमला, सर्दियों में डैश कपड़े पहने जाते हैं. तो इसमें इसम सिर्फ कौन सी लगेगी, गरम. सर्दियों में गरम कपड़े पहने जाते हैं. इसी तरह आपने इसम सिर्फ चुनकर बाकी जुमलों को भी मुकम्मल करना है. अब हम मैं आपको समर पैक पे भी बताती हूँ कि इन जुमलों को कैसे करना है. जी स्टूडेंट्स, सरगर्मी नंबर 4 का पहला हिस्सा, इसमें आप देखें कि दूसरा जुमला लिखा हुआ है इसमें नादिर एक डैश लड़का है. तो नादिर एक इसमें क्या आएगा, खूबसूरत लड़का है या जहीन लड़का है. ये अब आपने खुद सोचना है कि इसमें कौन सा इसम सिफ्त लगेगा कि ये जुमला मुकम्मल हो जाए. क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये खूबसूरत और जहीन दोनों इस जुमले में आ सकते हैं, लेकिन पहले आपने देखना है कि ये किसी और जुमले में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा. तो फिर आपने वो लफ्ज इस्तेमाल करना है. इसी तरह आपने ये चौथा जुमला देखिए, अंगूर एक डैश फल है. हमारे गांव में कई डैश परिंदे रहते हैं. ये लकड़ी बहुत डैश है. सोना एक डैश धात है. मैंने डैश लिबास खरीदा. आपने इसम सिर्फ यहाँ से भी देकर इन जुमलों को मुकम्मल कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सरगर्मी नंबर 4 के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं. अपने पसंदीदा जानवर या परिंदे की तस्वीर लगाइए या बनाइए. पहले आपने बॉक्स में आपने अपने पसंदीदा जानवर की तस्वीर बनानी है या आपने पेस्ट करनी है कोई तस्वीर. अब आपने इसके बारे में
इसम सिफ्त का इस्तेमाल करते हुए इसके तारुफ में पांच जुमले लिखिए। मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है, तो मैंने बिल्ली के बारे में पांच जुमले लिखे हैं। जैसे बिल्ली एक पालतू जानवर है, इसकी आंखें बड़ी चमकदार होती हैं, ये एक खूबसूरत जानवर है, ये बहुत तेज दौड़ती है, दूध इसकी पसंदीदा गिजा है। स्टूडेंट्स, ये पालतू चमकदार खूबसूरत तेज पसंदीदा ये इसम सिफ्त है। इनका इस्तेमाल करते हुए आपने किसी भी जानवर या परिंदे के बारे में पांच जुमले लिखने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इस बॉक्स में आपने पसंदीदा जानवर या परिंदे की तस्वीर यहाँ पर पेस्ट करनी है और यहाँ पर आपने इसके बारे में सारी मालूमात लिखनी है इसम सिफ्त का इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद है आपको आज का ये सरगर्मी नंबर 4 का काम आपको समझ में आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।